सर आप म्यूट हो। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है, ये बच्चों को यही नहीं समझता कि साइन टू थीटा का फॉर्मूला मैंने डिराइव किया, ये दो बार है ना। अब इसी को हाफ एंगल में कैसे लिखेंगे हमें? तो सर फॉर्मूला आने से नहीं चलता, इसके हाथ बैठना चाहिए, इसी को डबल एंगल में लिखना चाहिए, फोर लिख दिया मैंने। अगर मैंने एट लिखा तो साइन थ्री थीटा लिखा तो हालांकि फॉर्मूला यही है पर इसके ऊपर बेस सब मैंने बताया चांटा चौकट क्या बोलते उसको मैं। अब ये बच्चों को तब चलेगा जब वो हाथ उसको हाथ बैठा रहेगा। अभी देखो इस फॉर्मूला से मैंने क्या किया, मेरा साइन टू थीटा का फॉर्मूला बोल दो क्या वो साइन थीटा कॉस मानता क्या नहीं मानता, इसके नीचे वन लिख दिया तभी साइन टू थीटा क्या होगा वो साइन थीटा कॉस थीटा, वन के बदले में पूरा फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का ही है कॉस स्क्वायर प्लस साइन। अभी इसको अगर मैंने डिवाइड किया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से बाय कॉस स्क्वायर तो मेरा नया फॉर्मूला बना, क्या नया फॉर्मूला बना वो साइन थीटा कॉस थीटा, इसको कैसे डिवाइड किया मैं कॉस स्क्वायर यहाँ पे बराबर ये क्या है टू टाइम थीटा अपॉन तो अगर मेरे को सिर्फ साइन थीटा चाहिए तो क्या आएगा तू बोल टू टाइम थीटा बाय टू अपॉन समझा कॉपी करो जो खाना खा ले भाई पहले दिन और पढ़ते रहेगा बोले खाना जाओ। आकाश धारवाड़ समझ में आ रहा क्या? आकाश हाँ सर हाँ सर पेपर देखा तो जम रहा क्या पेपर क्या हाल है तेरा कुदौड़ कितने समझा में पेपर में कहाँ म्यूटे भाई मेरा आवाज आ रहा क्या आवाज आ रहा वीडियो आने लेकिन आवाज तो नहीं आ रहा आ रहा आ रहा सर आवाज आ रहा है आ रहा है सर आ रहा है यही अगर मैं अगर ये सबको समझा रहा क्या क्या अगर मैं कॉस भी करना चाहता तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता कॉस ए कॉस बी ए और बी को मैं अगर थीटा देता थीटा प्लस थीटा क्या आएगा कॉस टू थीटा क्या आएगा बराबर ना एक है क्या माइनस टू साइन थीटा कॉस थीटा क्या है समझा कि नहीं? इनफैक्ट इन दोनों को तुम्हें बोलता चंगू मंगू क्या बोलता इसको मैं ये मेरे दो चंगू मंगू और ये बार बार यूज होता है कॉस टू थीटा तुम्हारा वन माइनस टू साइन स्क्वायर है अगर मैं इसको इधर लाया और इसको इधर लाया
समझा गया, वन माइनस कॉस ए को टू साइन स्क्वायर ए बाई टू लिखो, वन प्लस कॉस ए को भी ऐसे लिखो। अभी लास्ट फॉर्मूला कैसे रहता, कॉस टू थीटा का फॉर्मूला ना, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला, इसके लिए जब लिखो वन के जगह पे क्या लिख सकते हैं बच्चे लोग, cos square plus sin square plus sin cos theta के बाद ऐसा है, वन माइनस tan square plus sin square divide numerator and denominator by हो गया कॉपी क्या? अरे कॉपी किया क्या मीटिंग में है क्या तू? हाँ। क्या कर रहा है? पेपर था, टेस्ट दे रहा। टेस्ट का कौन सा पांचवा सामने हमें करता ना अभिषेक, अभी क्या नाम दे रहा अभिषेक अधिका ना, कौन सा सामने? हाँ देखो बताओ ना कौन सा सामने हमें करता ना, दस साल आना एग्जाम ना, दिखा रहा क्वेश्चन देखो फेवरेट समय मेरा, फेवरेट मार्केट वाला समय करो क्या? देखो क्या दिया उन्होंने, इफ साइन थीटा, साइन थीटा नहीं है ब्रैकेट में पाई कॉस थीटा, अरे कॉस ब्रैकेट में पाई साइन थीटा, ऑप्शन देखे मैंने पाई बाय फोर को इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मैंने तुमको अभी सिखाया कि साइन थीटा के बदले अपन कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, और कॉस थीटा के बदले अपन क्या लिख सकते हैं? आज के पेपर का दसवां समय है, तो साइन पाई कॉस थीटा लिखूंगा मैं, और जानबूझ के कॉस को साइन पाई बाय टू माइनस पाई साइन, साइन सन गया हो गया, पाई कॉस थीटा इक्वल टू पाई बाय टू माइनस पाई साइन, pi cos theta plus pi sin theta is equal to pi by 2 divided by pi yeah 1 by 2 to likhega yahan pe 1 by root barabar na abhi apne option mein dekh ke dekhega kya banta अगर अपने को यहाँ पे मैं वन बाय टू को कॉस पाई बाय फोर पकड़ू तो मेरा यहाँ साइन पाई बाय फोर पकड़ेगा, यहाँ पे मेरा वन बाय टू रूट है, बराबर क्या? अभी मेरे को बताओ कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या, इधर माइनस रहता ना, मतलब मेरे को माइनस वाला फॉर्मूला पर कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, प्लस साइन ए, बराबर ना, तो cos of pi by 4 minus theta equal to 1 upon 2 root 2 आया क्या नहीं, कौन सा आंसर है? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि cos तुमको मालूम है नेगेटिव रहेगा तो भी पॉजिटिव होता ना, cos अगर theta minus pi by 4 लिखा तो कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? कितने लोगों को समझ में आया? और कौन सा सामने आया बोलो, चमका के बच्चों चमका क्या? इंदर डाउट पूछ रहा तो तुमको और मिलेगा सब, लाओ 18 क्वेश्चन लिखो, लेकिन करो जब तक पानी में उड़ी नहीं मारे, मैथ्स का भी ऐसे है, अभी मार्केट वाला समय है, मेरा पास एक्सपीरियंस है, तुमको मालूम भी नहीं, मेरे को बहुत बार किया मैंने, ये हर एग्जाम में आता है, द फॉलोइंग क्वेश्चन ट्रायंगल
अभी मेरे को ये गारंटी है मेरा डी सर वो माइनस थीटा किसे आया सर हेलो सर आर क्या है ट्रू है तो मेरा ऑप्शन हो सकता है सी नहीं हो सकता अरे समझ में आ गया सी तो नहीं हो सकता आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ये मालूम नहीं है आर इज नॉट द करेक्ट हाँ बी भी राइट हो सकता ए भी राइट हो सकता सी को उड़ा दिया मैंने किसको उड़ा दिया बच्चों को बोलो ना क्योंकि मेरे को सट्टा मालूम है कि आर ट्रू है अरे हाँ या ना समझ में आ रहा देखो मैं क्या कर रहा देखो सेव किया गया उसको देखो इन ट्रायंगल एबीसी कितने को मालूम है एबीसी ट्रायंगल इन ट्रायंगल एबीसी ए प्लस बी प्लस सी कितना रहता है मैंने ए प्लस बी कितना रहता है बराबर ना अभी क्वाड्रेंट कौन सा है सेकंड क्वाड्रेंट में मुझे मालूम है साइन पॉजिटिव तो टेन ए प्लस बी क्या आएगा फॉर्मूला बोलो ना tan a plus tan b minus tan c tan a tan b tan c tan a plus tan b plus tan c क्या है बराबर ना इसमें तुमको बहुत सट्टा बताना मैं ये इसके ऊपर बहुत सारे सट्टा है मैं हमेशा बोलता पांच तीन दो ये पांच ये तीन और ये दो रहेगा तीन ये दो और एक रहेगा आठ ये पांच और तीन है क्या है समझा तीनों सट्टा मालूम है ना अरे मालूम है कि नहीं तीनों सट्टा मालूम होता और याद रखो हाँ ए प्लस बी प्लस सी अगर टू पाई रहेगा ना तो भी वैलिड है ए प्लस बी प्लस सी अगर थ्री पाई ना तो भी सट्टा वैलिड है समझा ना कभी भी आएगा टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी इक्वल टू टेन ए टेन बी टेन सी हमेशा वैलिड है समझा गया ट्रिपल लिया तो भी माइनस में आएगा मैं डेरिवेशन नहीं बता रहा आकाश अरे कुवर एक सब बता रहा जिसमें प्रूफ किया मैंने धनंजय शान भाई ये प्रूफ करके दिखाया टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी आर यस यू वांट टू वॉश आर नॉट वॉश नो आई एम नॉट वॉशिंग टेन ए वन रहेगा टेन बी टू रहेगा तो टेन सी थ्री रहेगा ये जरूरी है कि ट्रायंगल एबीसी दे पर मंथ हाउ मच 3600 टैन इनवर्स 1 एक्स रहेगा टैन इनवर्स 2 वाई रहेगा और टैन इनवर्स 3 जेड रहेगा साइन वाई मूव कर अपने आप को 5 प्लस जेड 180 रहेगा तो सबका कॉपी करो सर साइन को म्यूट करने को बोलो सर इसको म्यूट कर अपलोड करने का साइल को ठीक है मैं साइल को ना साइल साइल काले क्या म्यूट रेटिंग क्या बोला क्वेश्चन नंबर 10 है पेपर में का क्वेश्चन 10 है 18 है 18 18 18 पेपर एक क्वेश्चन में का 18 पेपर है
18 का वो रीजन एंड एसोसिएशन का मैंने रीजन किया, दूसरे वाले भी करो। कॉपी करो क्या? खोलो यार, मोबाइल है, मोबाइल दे रहा है क्या? खरीदने के लिए ढाबे ले क्या? ये वन अपॉन टेन टेन भी होता है क्या? वन अपॉन टेन भी टेन से होता है, वन अपॉन टेन से टेन है कुल वन आता ना, समझा? दोनों राइट ऑन। अभी बताता कैसे करता, वो मैं पहली बार कर रहा था, मैं इसको चेक कर रहा राइट किया गया, लाइव चल रहा ना, बहुत भारी सब आवड़ला मतलब जक्कास बुझो क्या? देखो अभी उस संबोधन क्या, देखो समेशन मारा उन्होंने, समेशन देखो कितना भारी समय, क्वाड्रे प्लस क्वाड भी दिया ऊपर और नीचे क्या दिया बोलो ना, कहने पर और बोलो क्या बने, ट्रू है क्या बता रहे हैं? ट्रू है क्यों मालूम कर देगा सुनो, और ट्रू काय पे डिपेंड करता, दूसरे पे डिपेंड करता, समझा क्या? दूसरे हाँ नीचे वाले, अगर ये एसेशन है क्या बोलते इसको, तो सेकंड वाला रीजन है ना, तो सेकंड वाले रीजन के से पहले वाला एसेशन ट्रू है, तो कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा? अरे बोलो ना, ये ऑप्शन क्या ऑप्शन, ये ऑप्शन है ना, क्या बोला ऑप्शन में, बोथ ए एंड आर इंडिविजुअली करेक्ट and R is the correct explanation of क्या बोलो ना, R is the correct explanation of A। अभी कैसे देखो, उधर देखो, जब summation मारेंगे ना तो ये cyclic रहता, तो cot A plus cot B इसके नीचे क्या tan A plus, यहाँ पे मैं ऐसे लिखेगा cot B plus cot C, इसके नीचे क्या tan B plus tan C, और यहाँ पे ऐसे लिखेगा cot C plus cot A अपॉन क्या, हाँ बोलो ना, अपने उसको इक्वल वन बनेगा, अभी कॉट को मैं वन अपॉन टेन लिख सकता क्या, इसको वन अपॉन टेन लिख सकता क्या, वन अपॉन टेन लिख सकता क्या, ये क्या आएगा तो ये tan b plus tan a आया अपॉन एलसीएम निकालो, tan a tan b लिखा और ब्रैकेट में tan a plus tan b रहा क्या, नहीं यहाँ पे भी tan c plus tan b हो गया, नीचे समझ में आ रहा क्या? आपने कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे tan a plus tan c हो गया ना, नीचे आया नहीं, फिर ये और एक कट हो गया, ये और एक कट हो गया, ये और एक कट हो गया, वन अपॉन क्या है, वन अपॉन बराबर ना, अभी मैं जान बुझ के ना ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेगा, इसके आगे लिखने को जगह नहीं है, देखो मैं एलसीएम नहीं करेगा ना मेरा, देखो पूरा एलसीएम नीचे मेरा क्या आएगा, नीचे एलसीएम बोलो ना tan a tan b tan c, मानते कि नहीं मानते, और ऊपर क्या आएगा मेरा, बराबर है क्या? अभी ये दोनों सेम है क्या नहीं,
अरे दोनों सेम है क्या नहीं? अरे मैंने अभी बताया ना तुम्हारे को tan A, tan A plus tan B plus tan C, प्रूफ करके दिखा ना तुम्हारे को मैंने, क्या प्रूफ करके दिखा? tan A tan B tan C प्रूफ करके दिखा क्या नहीं? अरे आगे नहीं रिकॉर्ड होके आंसर क्या आएगा? कैसा लगा ये वन है एक्सेशन का रीजन? कौन कौन स्कूल में कर दू? कॉपी करेगा बच्चे लोग झकास। और कोई डाउट बताओ? जितना तुम डिग्नोमेट्री में घुसेंगे ना चमका वाला चमका उतना मजा आएगा, जितना भी घुसेंगे। बता ना, ये तो मेरा फेवरेट है, मैं अभी बताऊं तुमको, ये बहुत फेमस समय है, ये कभी भी एग्जाम में आएगा। देखो दोनों सम साइमल्टेनियसली कर रहा, tan A plus sin A अगर x दिया रहेगा और tan A minus sin A अगर y दिया रहेगा। याद रखो मेरे भाइयों, x square minus y square का square कभी भी 16x आएगा। उसी तरह से यहाँ पे m square minus n square का होल स्क्वायर 16 है। ये देखो सट्टे का महत्व है, मजाक नहीं कर रहा। अभी मेरे को मालूम है, मेरे को एक सेकंड में लगा गया, और जिसको नहीं मालूम है वो क्या करेगा, मतलब क्या इसको सॉल्व करना जाएगा, और समझो उसने सॉल्व किया ना वो इंडिया फेल, तो कम से कम 5 मिनट हुआ उसका लिख के लो बस 16। ये तो मैंने बोला प्रैक्टिस है, इसको मत सट्टा, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत। बगैर सट्टे का बच्चा नहीं पास हो सकता आज के जमाने में तो नहीं। मैं कल रात को ना पूरा ये देख रहा था, एक आदमी है ना उसका केवीबीए का पेपर सॉल्व कर रहा था, मैं देख रहा था, कुछ भी मार्केट में कुछ भी चल रहा है। ये दोनों को ऐड किया मैंने, दोनों को सेपरेट किया, समझा क्या? ये दोनों को ऐड किया जितना है ना, अरे दोनों को ऐड किया आएगा ना इतना, सेपरेट करके आएगा। अभी दोनों को मल्टीप्लाई करा, देखो पांच स्टेप, अभी दोनों को मल्टीप्लाई करा तो मेरा ऐसा आया 4 cot A cos A। अगर इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो m square minus m square, इसमें ना इसमें सट्टा मारो, देख इसमें सट्टा ये है कि बच्चों को जो मालूम नहीं हो, cot theta cot A plus sin A into cot A minus sin A क्या रहता है ये मालूम नहीं बच्चों को, ये तो mn हो गया ना तुम्हारा, तो ये क्या हो गया cot square A minus sin square हो गया ना mn, प्रणव cot square A minus sin square A cot square A into sin square A, ये बात नहीं मालूम बच्चों। हाँ बिल्कुल, तो ये आंसर इधर से देख, 16 ये क्या हो गया cot square A cos square हो गया, sin कहाँ से आया, cos cos, समझा क्या नहीं समझा? समझ में आ गया? तो ये m square minus m square का whole square हो गया ना, ये तो ये इसके बदले में मैं लिख सकता हूँ, हो गया। ये जो सट्टा है ना cot square minus cos square का cot square into cos square होता है, ये बच्चों को नहीं मालूम। उसी तरह से tan theta plus sin theta into tan theta minus theta क्या आएगा, tan square minus sin square, बराबर ना बच्चों लोग? tan square minus sin square और tan square into sin square में कोई फर्क नहीं है, दोनों में सेम है, ये बात नहीं मालूम बच्चों, समझा कि ये बात नहीं मालूम करके अटक गया। tan square theta minus sin square theta को अपन tan square theta into sin square theta लिख सकते, कोई फर्क नहीं। एग्जांपल लो सर, प्लस हुआ तो करके देखा था, प्लस हुआ तो हुआ,
स्क्रीनशॉट ले दोघांना चालतो आणि सेकला काय चालतो माहिती का सेक्स स्क्वेअर थीटा प्लस कोसेक स्क्वेअर थीटा सेक्स स्क्वेअर थीटा प्लस कोसेक स्क्वेअर थीटा सेक्स स्क्वेअर थीटा इनटू कोसेक स्क्वेअर थीटा किती वेळा लिहिलं माहिती का अमर अकबर यांनी इतना प्लस इतना मल्टीप्लाई होता नहीं तो मैं लिहून घेतलं प्रूफ करतो ना 56 नंबर नरेंद्र देखा 56 नंबर देखा ये बुझा के हो गया स्क्रीनशॉट लिया क्या इसका लिखा सर तो लोग वापिस बताता अमर अमर ये इस सेक्स का डेटा प्लस कोसेक स्क्वेयर अपन सेक को क्या लिखेंगे 1 अपॉन कॉस कोसेक को क्या लिखेंगे साइन इसको मैड बोलता मैं मैड एलसीएम होगा ना 1 अपॉन कॉस स्क्वेयर 1 अपॉन बराबर टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर टेन क्या है यहाँ पे एलसीएम क्या है क्या हो साइन स्क्वायर अपन कॉस स्क्वायर क्या आएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर क्या आएगा मैड बोलते मैड मैड मतलब मल्टीप्लिकेशन इनटू एडिशन अभी कॉट स्क्वायर करेगा देख यहाँ पे तो साइन स्क्वायर कॉमन निकाला साइन स्क्वायर कॉमन तो ब्रैकेट में क्या आएगा वन माइनस कॉस वन माइनस कॉस को क्या लिखता है यहाँ पे भी देखो इनटू क्या लिखेंगे अपन कॉस क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड देखो कॉट स्क्वायर को अपन ऐसे लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर अपन साइन स्क्वायर एलसीएम क्या होगा कॉट स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर इनटू कॉस कॉट स्क्वायर कॉमन निकालो ब्रैकेट में क्या है कॉस अपन स्क्वायर क्या हो गया कॉट वन माइनस साइन क्या होगा कॉपी करो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे लोग बैठते भी नहीं सीखते भी नहीं यार बाद में बने नाम बोल हो गया क्या कॉस थीटा प्लस फाइव एंड कॉस थीटा माइनस फाइव देन टेन थीटा जो बोलो इसका आंसर क्या है अभी आपने को ये ऑप्शन से मालूम पड़ता है कंपोनेंट डेरिवेटिव वापरने तो थीटा प्लस फाइव अपन कॉस थीटा माइनस फाइव एम अपन वन है ना यूज कंपोनेंट वन एम प्लस वन और एम माइनस वन अभी कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला क्या है टू कॉस ऐड करके डिवाइड बाय टू किया ना थीटा बराबर ना दोनों कॉस है ना
नीचे दोनों साइन आएगा। बाहर माइनस है और यहाँ एम प्लस वन अपॉन नीचे क्या अभी ये क्या हो गया कॉट थीटा है और ये क्या है कॉट फाइव एम मान इधर माइनस गया तो इधर वन माइनस है माइनस आगे नहीं देखो ना उल्टा कर इधर एम प्लस वन अपॉन एम वन माइनस एम और एक कॉट फाइव इच आएगा बराबर है तो टैन चाहिए तो उसको उल्टा आ जाएगा ना देखो आंसर है क्या ऐसे कुछ आंसर है क्या ऑप्शन खोल दे किधर आंसर है सर बी है ना बी आएगा ना बी कितने लोग समझा बी ते रूल है ए अपॉन बी कोड सी अपॉन डी असला ना कंपोनेंट डिटरमिनेंट केले तास होतो ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी सी प्लस डी अपॉन सी माइनस सबको समझा के मैं क्या किया ये कौन सा समझा साठ क्वेश्चन है ना 59 दिखा रहा समझा क्या नरेंद्र समझा तो समझा बोलो समझा सर समझा जरा खाना खा रहे हो मेरे को बोला बच्चों 59 दिखा बोलो कॉट अल्फा प्लस बीटा कितना है रिकॉर्ड कब रहता है कॉट जीरो कब रहता है कॉट 90 क्या रहता है 90 इनफिनिटी रहता ना हां सर कॉट 90 जीरो अपन इनफिनिटी रहता ना जीरो कॉट 90 जीरो तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया 90 अभी ऑप्शन में देखो ऑप्शन में दो आंसर अल्फा में है दो आंसर बीटा में है ना तो मैं अल्फा के बदले 90 माइनस बीटा लिख सकता क्या तो मैं ऐसा लिख सकता क्या साइन अल्फा प्लस बीटा लिख सकता है तो ये अल्फा प्लस बीटा तो 90 है ना साइन 90 प्लस बीटा में तो कौन से क्वाड्रेंट में है सेकंड ना तो 90 प्लस देगा तो कॉस आएगा क्या नहीं कॉस बीटा किधर आंसर में है क्या नहीं है साइन 90 प्लस बीटा कॉस बीटा हो कॉस बीटा ये एक ऑप्शन हो गया अभी अभी मेरे को मालूम है ऑप्शन नहीं है ना ऑप्शन में तो मैं मेरा दिमाग लगाएगा अभी अल्फा लिखूंगा टू बीटा के बदले मैं क्या लिखूंगा बीटा के बदले हाँ ये लिखो ना बीटा के बदले मैं लिख सकता हूँ बीटा के बदले 90 माइनस अल्फा लिख सकता क्या लिख सकता cos 90 माइनस अल्फा क्या होता है sin अल्फा ऑप्शन है क्या समझा कैसे एड़ा बना अरे समझा एड़ा बना cos बीटा ऑप्शन में नहीं है पर बीटा के मतलब 90 माइनस अल्फा लिख सकते हैं ना और sin अल्फा आएगा sin अल्फा ऑप्शन है समझा क्या नरेंद्र यस सर समझा सर समझा और बोलो कौन सा नहीं आया लास्ट सम और एक सम करेगा बोलो चार आंसर है चार 57 का सम देख के डायरेक्ट आंसर कैसा लगा अरे कितने बार बताया चार वाले बहुत समय हमारे पास अभी ये जो सॉल्व करते बैठेगा ना उसकी जिंदगी गई ये तो इधर अनिश क्लास का कमाल यही है अभी ये एग्जाम में आया मैं डायरेक्टली चार लिखेगा
अनिस क्लास का हर बच्चा चार लिखेगा, कितने बार तो करता है। और जो अनिस क्लास का बच्चा नहीं हो क्या करेगा, सवाल करेगा तो जिंदगी बीत जाएगी। इसका सब सट्टा नहीं, हम लोगों ने इसको याद करने लगा। इसको क्या करा, साइन नाइन अपॉन कॉस नाइन लिखने का, कुछ चीजें लर्न करने का रहता ना, उसको लर्न कर रहा था सट्टे के बुक में मेंशन करने का। अगर ये तेरे पास सट्टे के बुक में रहेगा तो देखो प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, नहीं है तो वहां ये इंडिया में आल है पूरा, इतना सब करते बढ़ने पड़ेगा जो मैं कर रहा हूँ। ये साइन स्क्वायर नाइन आएगा और ये कॉस स्क्वायर नाइन आएगा, नीचे साइन नाइन अपॉन कॉस नाइन आएगा। नीचे क्या आएगा, वन अपॉन साइन नाइन कॉस है। टू अपॉन साइन 18 और टू अपॉन साइन 54 कैसे बोल, ऊपर नीचे टू से मल्टीप्लाई किया ना, साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या रहता, समझा ना कैसा साइन 18 है, कितने लोगों को समझा, साइन 18 का वैल्यू है और साइन 54 मतलब कॉस 36, तो कॉस 36 का ये वैल्यू है। अरे समझा कि नहीं, एट एलसीएम ऐसा है। कौन सा कितना कितने को समझ सकता, अच्छा बहुत आंसर है इसका, आंसर 3/2 है, बहुत समझ इसका आंसर क्या है 4 है। इसका भी देखो tan 15 आणि tan 75 हे पण 4 आहे बघा, तुम्हाला करून बघा आता ज्यांना हे माहिती आहे त्यांचा लय वेळ वाचला, आता सगळं आपण एकत्र लिहून घ्यायचं। नरेंद्र पाटील अभी का हाल ये है कि जिन बच्चों ने 75 क्वेश्चन राइट किया वो एनडीए पास है, जिन्होंने 60 भी किया मेरे क्लास में जो एनडीए क्लियर नहीं हुए। 75 क्वेश्चन करना पड़ेगा भाई राइट तो एनडीए पास। ये बार के कट ऑफ पे पड़ गया, बोले 60 बोल, जिन्होंने 60 किया नहीं होगा ना, संकेत इनका तो 60 क्या नहीं होगा, बहुत बच्चे जिससे 60 वाले पास नहीं हुए, 60 में पास होते थे 4-5 जरा होते ना आ नीचे। हाँ देखा क्वेश्चन क्या, ये 2-√3 रहता और 2+√3 अंतर 4 आते। माइनस है बराबर क्या, cos 35 और cos 35 साथ में लेने का, और cos 35 मतलब sin 5 है, हो गया आंसर, समझा गया। cos c minus cos d का फॉर्मूला पढ़ना, 2 sin c minus d by 2 sin c plus d by 2 बार माइनस और यहाँ sin 5, हो गया आंसर। अभी मुझे मालूम है 2 sin ये 5 आएगा, ये साइन 30 है, साइन 30 का जो हाफ है एंगड़ा पकड़ा होगा आंसर क्या है। मेरा एलजीब्रा बहुत स्ट्रॉन्ग है ना, कॉन्फिडेंस आता है मेरे को, मैं कैसे भी करूँ आंसर आएगा। तो करना नहीं, सब बिल बंद कर, कितना पेपर दिया गया था
और सबमिट किया क्या? हाँ साइन कर समझे Thank you.